हेलो दोस्तों, इंडियन फूड में आपका स्वागत है। हम बना रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी व्रत में खाने के लिए, जो कि सिंघाड़े के आटे से बनता है। इसको बनाने के लिए चाहिए हमको सिंघाड़े का एक कटोरी आटा, 2-3 कटा हुआ हरा मिर्चा और मीडियम साइज के 2-3 आलू हमने बॉयल कर लिए हैं। इसको फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक, जैसा आप कम ज़्यादा खाते हो वैसा आप डाल लीजिए। फिर हम इसको आटे को और आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं। फिर कढ़ाई में हमने डाला है मूंगफली का तेल। तेल खूब जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो बड़ी की तरह पकौड़ी को हम डालते हैं। फिर गैस के आंच को थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। पकौड़ी धीरे धीरे हमारे देखिए लाल होने लगी और बहुत धीरे धीरे उलट पलट के इसको चलाते रहेंगे हम। पकौड़ी देखिए बन के एकदम तैयार है। अब हम इस पकौड़ी को अपने बर्तन में निकाल लेंगे। आप भी बनाइए अपने घर में पकौड़ी, जन्माष्टमी आने वाली है, व्रत में आप बना करके खा सकते हैं। और किसी भी हरी धनिया, आम, जो चटनी आप पसंद करते हैं उस चटनी के साथ इस पकौड़ी को खाइए। हमने प्लेट में निकाल दिया है अपनी पकौड़ी को। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार आप सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी ट्राई कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।